दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी J2 2016 मॉडल SM J2 10F इस प्लेटफॉर्म पे इस बजट पे सारे नीडेड फीचर्स इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के लिए लिमिटेड है जो एक बेसिक यूजर नहीं है। 5 अप्रैल 2018 को इस डिवाइस में एक नया अपडेट देखने को मिला। यह 2018 का सेकेंड अपडेट है, बट रिमाइंड इट अगेन 2018 का फर्स्ट अपडेट फरवरी में आया था, जिसपे आपको एक सेपरेट वीडियो देखने को मिली थी। उसमें जितने भी आकर्षक पॉइंट थे उन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना डाली थी, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसे देख सकते हो, या फिर यहीं कहीं कार्ड में आपको इस टाइम देखने को मिलेगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो क्या आकर्षक बात रही है। अब चलो इस बात पे रुक जाते हैं कि हम लोग इस वीडियो में करने वाले क्या है। सो हाय गाइस, दिस इज ज्योतिष गुडविन एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी पंच ऑफ टाइम। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेट ज्योतिष गुडविन यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि सैमसंग जो अपडेट लेकर के आता है वह कभी बताता नहीं है खुलकर आखिर इस अपडेट में है क्या। इसमें सिर्फ लिखा हुआ देखने को ऐसा कुछ मिलता है, ए सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट इट्स नॉट लिमिटेड टू डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स, बग फिक्सेस, न्यू एंड और इनहेंस्ड फीचर्स, फर्दर इंप्रूवमेंट टू परफॉर्मेंस। तो आपको इतना ही 3 या 4 पॉइंट देखने को मिलता है। पास्ट टाइम में मुझे एक अपडेट देखने को मिला था वाईफाई कॉलिंग का। वैसे तो अपडेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि वाईफाई कॉलिंग का आपको फीचर्स मिलने वाला है, लेकिन ऐसे कुछ फीचर्स देखने को मिले इंडिविजुअल जो कि पहले अपडेट में देखने को नहीं बताया गया। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है, सैमसंग की तरफ से सारे अपडेट के फीचर्स गुप्त रखे जाते हैं। बाद में बग भी आ जाए, फंक्शन में चेंजेस भी आ जाए, तो उसे पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसे बेसिकली जाके देखते हैं क्या सुधार आया। अब जो लोग अपडेट में इंटरेस्टेड है वो तो हमेशा क्लिक 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 लगे रहते हैं कि आखिर क्या अपडेट आया। आप यहां देख सकते हैं कि 5 अप्रैल का अपडेट है, 2018 का है, और मैंने ये अपडेट करा है। यहाँ पे जो हमको सुधार देखने को मिला कोई खास। अब इस अपडेट में क्या नया और क्या सुधार आया है उसे जानते हैं बाद में। सबसे पहले वह जानते हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस डिवाइस में नौगट का अपडेट आएगा कब, क्योंकि कई लोगों ने लाइव चैट दिखा करके आपको कंफर्म करा दिया है कि आपके डिवाइस में नौगट का अपडेट आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कह दिया काम जारी है। अब जरा इस पास्ट टाइम लाइव चैट पर गौर करते हैं, जिन लोगों ने आपको कंफर्म करा दिया है कि लाइव सेट के एजेंट कहते हैं कि इस पार्टिकुलर डिवाइस के लिए नौगट का अपडेट देखने को आपको जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्वाई में घर आता, लाइव चैट एजेंट हमसे तुरंत ही कॉन्टेक्ट करने वाले थे। वेलकम टू सैमसंग लाइव चैट, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? रचना का जवाब आया, गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार, दिस इज रचना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू टुडे। मैंने इन्फॉर्मेशन में यह मांगा कि नौगट का अपडेट सैमसंग गैलेक्सी J2 10F ऐप में कब आने वाला है। अब यहाँ पे मिस रचना का रिस्पॉन्स आता है, अपडेट क्वेरी के लिए आपका धन्यवाद, हमारे असिस्टेंट्स इस पे कार्यरत हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर कंफर्म करना चाहूंगी कि आपका डिटेल सत्य है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सब हमारे रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। अब हमारी तरफ से रिस्पॉन्स रहा हाँ। अब यहाँ पे मिस रचना का रिस्पॉन्स आता है कि मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि फिलहाल हमारे जो असिस्टेंट्स हैं नौगट के अपडेट को सैमसंग डिवाइस में लाने के लिए वर्क कर रहे हैं, तो कृपया धैर्य रखें, जल्द ही हम अपने डिवाइस में नौगट का अपडेट लाएंगे, वो भी फोटा के थ्रू। वाह, ऐसे कीजिए, मेन्यू सेटिंग, अबाउट डिवाइस, सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑटो अपडेट्स इनेबल इट, आप इसे कर लीजिए, नौगट का अपडेट आपके डिवाइस में जरूर आएगा। लेकिन वाह, मैंने इसे पार्टिकुलर डिवाइस के बारे में पूछा था, इन्होंने स्मॉल सैमसंग के डिवाइस के बारे में बता दिया, कितना ज़्यादा बड़ा दिल है इनका। मैंने फिर से इन्हें पूछा कि पार्टिकुलर डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी J2 10F ऐप के लिए अपडेट आने वाला है क्या, जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी J2 2016 और J2 Pro इसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब जो लोग रिक्वायरमेंट्स नहीं जानते हैं इसके क्या हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अगला रिस्पॉन्स आता है उनका, मिस्टर कुमार, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इनेबल ऑटो अपडेट ऑन योर डिवाइस, वेन एवर अपडेट विल बी अवेलेबल देन श्योरली यू विल गेट इट इन नोटिफिकेशन पैनल ऑफ योर डिवाइस। मिस्टर कुमार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस ऑटो अपडेट को इनेबल कर लें, जब आपके डिवाइस में यह अपडेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पैनल में यह अपडेट देखने को मिलेगा। मेरा रिस्पॉन्स रहा, ओके, इट्स लुक लाइक देर इज नो कन्फर्मेशन अबाउट दिस मॉडल, नो वरी, थैंक यू मैडम फॉर असिस्टिंग। मैंने मैडम को रिस्पॉन्स किया कि लगता है कि कोई भी इस पार्टिकुलर डिवाइस के लिए कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। चैटिंग फिनिश्ड बाय कस्टमर, मैंने चैटिंग को फिनिश कर दिया, फालतू में इससे बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता,
क्योंकि सैमसंग के असिस्टेंट के पास इसके लिए कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अगर है भी, अगर इसके लिए अपडेट नहीं आ रहा है तो ये कभी भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि लोग ट्रांसफॉर्मेशन का स्वभाव रखते हैं, अपना डिवाइस तुरंत ही चेंज कर लेंगे। ऐसा कुछ बात हो सकता है, मैंने खुद ही सोचकर बताया, सैमसंग की तरफ से क्लियर नहीं है। वैसे भी कोई क्लियर थोड़ी करता है अपना गुप्त बात। आई वुड वेलकम योर फीडबैक एट इन ऑफ दिस चैट सीजन टुडे। इट विल ओनली टेक 60 seconds एंड इफ यू आर हैप्पी टू प्रोवाइड सम फीडबैक प्लीज सर्वे विंडो ओपन। नो, नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पार्टिकुलर डिवाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। या तो यह देना नहीं चाहती थी या तो फिर गुप्त रखना चाहती थी, दोनों बात इक्वली हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि सैमसंग असिस्टेंट जो भी बात कर रहे हैं आपके पार्टिकुलर डिवाइस के बारे में नहीं कर रहे हैं, तो आप इस कन्फर्म पर बैठ नहीं जाएं कि आपके डिवाइस के लिए अपडेट देखने को मिलेगा। यह वो सैमसंग के बारे में कह रहे हैं, सिर्फ आपके डिवाइस के लिए नहीं कर रहे हैं। अगेन रिमाइंड इट। तो अब आप लोग जिनकी वीडियो देखकर कंफर्म हो गए हैं, एक बार फिर से देख लें कि उन्होंने पार्टिकुलर डिवाइस के बारे में बताया या फिर वो सैमसंग के बारे में बताया है, जिसके भरोसे आप कंफर्म हो बैठे हैं कि आपकी डिवाइस में नौगढ़ का अपडेट आ रहा है। थोड़ा फास्ट बोला क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। अब इस अपडेट में क्या देखने को मिला मैं आपको बताता हूं। इन शॉर्ट फॉर्म, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला पहले के बाद भी, यहां पे कोई भी नया फीचर्स देखने को नहीं मिला। लेकिन यहां पे पैच लेवल आपको अपडेट कर दिए गए 1 अप्रैल 2018 के अनुसार, और कुछ ऐसे ही अपडेट इंटरनल देखने को मिले। परफॉर्मेंस देखने को अच्छा मिला और यहां पे बैटरी ड्रेनिंग थोड़ी सी घट गई, आपकी बैटरी बैकअप बढ़ गई, परफॉर्मेंस बढ़ गई, इंडिविजुअली आपका डिवाइस फैक्ट्री फॉर्मेट जैसा देखने को लगने लगा। तो आपका डिवाइस अब बहुत ही परफॉर्मेंस में है इस अपडेट के बाद। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो कर ले, कोई भी बग यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने इसे मोर देन 15 डेज एक्सप्लोर करा है और कोई भी बग मुझे देखने को नहीं मिला एंड ऑफ लास्ट डेज। सो रिमाइंड इट अगेन ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो, नौगढ़ का अपडेट आपके डिवाइस में आएगा या नहीं आएगा यह कन्फर्म नहीं है सैमसंग की तरफ से। आप रिक्वायरमेंट्स देख करके बैठ जाएं। रिक्वायरमेंट्स इस प्रकार हैं, 1.5 GB रैम नीडेड, 16 GB इंटरनल मेमोरी नीडेड। अब इस हमारे डिवाइस में क्या है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। रैम की मात्रा जो आपको 1.5 GB कन्फर्म, चलो इस डिवाइस में आने वाला ही है, लेकिन यहाँ जरा ध्यान करो 175 MB रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखने को मिलता है 1.325 GB ऑफ रैम, तो यह आपका डिवाइस हट गया। नेक्स्ट, आपको इंटरनल मेमोरी जो देखने को मिलता है इन टोटल 8 GB, यह चेकिंग करता रहेगा। वैसे यह 8 GB वेरियंट है 2016 का, और 2015 का तो बात ही हटा दो, तो यहाँ से भी आपका डिवाइस छट गया। लेकिन रुको रुको रुको, अब यहाँ जो नौगढ़ का अपडेट आ रहा है इससे भी लोअर रिक्वायरमेंट्स पे आ रहा है, तो घबराओ नहीं, आपके डिवाइस में भी नौगढ़ का अपडेट जरूर आएगा। अब इसी भरोसे पे तो रहना है, क्योंकि कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिक्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है जो कि फिलहाल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है उसका आपका डिवाइस कम्प्लीटली पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन राइट नाउ जो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है 512 MB में भी नौगढ़ का अपडेट देखने को मिल रहा है, 8 GB इंटरनल मेमोरी में भी नौगढ़ का अपडेट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका डिवाइस अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए 1 GB रैम मिनिमम चाहिए और 8 GB इंटरनल मेमोरी मिनिमम चाहिए, तभी आपका नौगढ़ पे आपका डिवाइस बढ़िया से वर्क कर पाएगा। अब सैमसंग जैसा स्टार अपडेट आपके डिवाइस में तभी देगा जब आपका फ़ोन परफॉर्मेंस में वर्क करे। वैसे तो सैमसंग डिवाइस का मोबाइल का परफॉर्मेंस जल्दी ही गिर जाता है, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस देता है, खास करके गेमिंग में। खैर, ऑल इन वन आवर सैमसंग डिवाइस इज वेरी स्मार्ट। सो गाइज, एंड ऑफ दिस वीडियो सेशन, नौगढ़ अपडेट आपके डिवाइस में आने की संभावना 95% है। इस अपडेट में कुछ भी खास देखने को नहीं मिला, परफॉर्मेंस सुधार है, बैटरी लाइफ थोड़ी सी बढ़ गई, चलो अच्छी बात है, अपडेट कर लो जल्दी से अगर आप तक आपने नहीं करा है। न्यू फीचर्स कुछ भी देखने को नहीं मिला, और धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।